आखिर 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद गिराने के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि जो लोग संविधान के विरोधी थे, बाबा साहब के विरोधी थे, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था इस देश में लागू रखना चाहते थे, जो मनुस्मृति को अपना संविधान मानते थे, उन लोगों ने इस परिनिर्वाण दिवस के महत्व को कम करने के लिए वो दिन चुना। जो बाबा साहब के सामने ज्यादा झुके, जो संविधान के सामने ज्यादा झुके, उससे सावधान रहने की जरूरत है। जो बोले कि बाबा साहब भगवान है, उससे सावधान रहिए। दोस्तों, इतिहास का छात्र हूं तो थोड़ा राजनीति की लीला भी समझता हूं। 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद गिराया गया था, आपको याद होगा। 6 दिसंबर को ही बुद्धा इस्माइल एक्सपेरिमेंट भी हुआ, याद होगा। आखिर 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद गिराने के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि जो लोग संविधान के विरोधी थे, बाबा साहब के विरोधी थे, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था इस देश में लागू रखना चाहते थे, जो मनुस्मृति को अपना संविधान मानते थे, उन लोगों ने इस परिनिर्वाण दिवस के महत्व को कम करने के लिए वो दिन चुना। आज वही लोग शासन में शासन चला रहे हैं और संविधान की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये हम सबके सामने। हर बात पे, हमारी हर बात पे भावना आहत होती है। भाई क्या करूं, हम तो भावना आहत विश्वविद्यालय के पहले कुलपति तथागत बुद्ध और आधुनिक भारत के कुलपति डॉक्टर अंबेडकर का शागिर्द हूं। अगर इतना ही आपको दिक्कत है तो अंबेडकर साहब की राइटिंग्स क्यों आप छापते हैं? गौतम साहब यहां बैठे हुए हैं, पहले मेरे से भावना आहत हुई थी, अब गौतम साहब से भी हो गई। तो मैं तो इनसे कहा था कि सीधा खड़ा होइए और पेज नंबर वॉल्यूम नंबर मैं दे देता हूं, पूरे दिल्ली में पर्चा छपवा दीजिए कि नरेंद्र मोदी सरकार में ये किताबें छपी है, ये पेज नंबर है, थावरचंद गहलोत ने शुभकामना संदेश दिया, छपा हुआ है। आप ये तय कर लो कि बाबा साहब को मानते हो कि नहीं मानते हो। वो कहते हैं तो हम सांस्कृतिक काम कर रहे हैं, लेकिन विशुद्ध राजनीतिक काम कर रहे हैं। और हमारे राजनीतिक, मैं तो कहता हूं कि भाई मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूं, मेरी विशुद्ध रूप से राजनीतिक समझ है। जो बाबा साहब के सामने ज्यादा झुके, जो संविधान के सामने ज्यादा झुके, उससे सावधान रहने की जरूरत है। जो बोले कि बाबा साहब भगवान है, उससे सावधान रहिए। जो बोले संविधान धर्म ग्रंथ है, उससे सावधान रहिए। मुद्दे बहुत हैं, कल भी मैं आऊंगा, कल विस्तार से बात होगी, आज बहुत सारे वक्ता हैं। गौतम साहब 50 लाख रुपए वाले कहां गए, मिले कि नहीं? तो हमने कहा था नागपुर में कि भाई पहले इनकम टैक्स ईडी को भेजो वहां पे, बाबा लोग के पास पैसा कहां से आता है 50 लाख रुपए। आ कहता है दूसरे को, कहता है कि तुम लेके आओ, बाबा अपने भी आ जाओ कभी कभी, और कितने लोग लेके आओगे ये भी बता देना, चाय नाश्ते का प्रबंध भी करना पड़ता है। दोस्तों, लेटेस्ट इसी पे बोल के मैं बात समाप्त करूंगा। EWS सुदामा कोटा, पहला जातिवादी कोटा है। OBC का कोटा था, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है। OBC पहली बार ये जातिवादी कोटा आया है, 48 घंटे में संसद में पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जो लीला हुई वो लीला आपने दिखाई। भाई पहला ऐसा ये
इसको अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। पहला ऐसा एक कोटा है जिसमें न कोई कमीशन बैठा, न सर्वे हुआ, न आंकड़े हैं, कुछ भी नहीं, और 10% जो है कोटा हो गया। मैं तो छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल साहब को बधाई देता कि जब तुमने उस सीमा रेखा तोड़ ही दी तो अब 50 क्या, अब करो 80% करो। और आज इस मंच से मैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको यहां से मैं संदेश देना चाहता हूं कि जो छत्तीसगढ़ में हुआ है, जो तमिलनाडु में है, वो मॉडल दोहराया जाए। और ये सिर्फ सरकारी में नहीं, नौकरी में नहीं, नौकरियां बचेगा। सबसे ज्यादा मार हमारे लोगों पर पड़ी है, क्लास 3 क्लास 4। ठेकेदारी में तमाम इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में आप रिजर्वेशन लागू कीजिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी जो जो सत्ता में है सब लोग वोट दीजिए, हम मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। इस मंच से 2 दिन में जो मंथन हो यह जरूर स्पष्ट होना चाहिए, यह एक सामाजिक संगठनों का मेला है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि यहां से एक बहुजन घोषणा पत्र, एक बहुजन एजेंडा यहां से पास हो। राहुल गांधी अभी यात्रा कर रहे हैं, चलिए हम लोग 50 लोग वो एजेंडा लेके खड़े रहते हैं यात्रा में, चलिए। और 24 का चुनाव आ रहा है, हमारी दिलचस्पी एजेंडा सेटिंग में, एजेंडा सेट करने में। व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं चाहिए, जो भी चाहिए समाज के लिए चाहिए। इससे बहस हो, राष्ट्रीय बहस हो। अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में, अब तो लगता है कि जुडिशियरी जिस तरह से काम कर रही है बहुत सारे केसेस में, वो खुद ही अपने आप को अप्रासंगिक बना लेगी। जज साहब बैठे हुए हैं, कोलिजियम को लेकर अभी जिस तरीके से चल रहा है सरकार और जुडिशियरी में, वो पूरे देश की जनता और दुनिया देख रही है। ये मांगने उन्हें से कोई मिलता उलता नहीं, अधिकार बाबा साहब पहले बोल चुके हैं। और दिक्कत इस बात की हो रही है कि अकेला आदमी लड़के जितना संविधान में प्रावधान कर गया, हजारों एमएलए एमपी मिनिस्टर्स ब्यूरोक्रेट्स होके भी या संसाधन संपन्न समाज होके भी उसको बचा नहीं पा रहे। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि बिहार सरकार छत्तीसगढ़ मॉडल वहां भी लागू हो, और इस मंच से घोषणा पत्र, बहुजन घोषणा पत्र, भागीदारी हर फील्ड में, आरक्षण नहीं, भागीदारी, ये घोषणा पत्र हो और इसको 2024 का चुनावी एजेंडा बनाया जाए। शुक्रिया, जय भीम।